लूटपाट और चोरी चकारी के मामले भारत में हर दिन सामने आते रहते हैं, लेकिन जबलपुर में दिन दहाड़े हत्या और लूट की सनसनीखेज वारदात को जान के आप दंग रह जाएंगे। तो क्या है पूरी खबर, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं दिव्यांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं मीडिया दरबार। बाइक सवार बदमाश एटीएम कैशमैन के गार्ड को गोली मारकर 40 लाख रुपए लूट ले गए। इसमें एक गार्ड की मौत हो गई और दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। बदमाशों की तेजी से तलाश की जा रही है। पूरे मामले में गंभीर लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि न तो बैंक के एटीएम में कोई गार्ड थे और न ही कैशमैन के गार्ड के पास कोई पिस्टल थी। घटना तिलहरी क्षेत्र स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एटीएम की है। यहां दो नकाबपोश बदमाशों ने कैशमैन लेकर आए गार्ड को गोली मार दी और रुपयों से भरा बक्सा लेकर भाग गए। हथियारों से लैस बदमाश पूरे 20 मिनट तक मौके पर खड़े होकर वैन आने का इंतजार करते रहे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। बताया जा रहा है कि गार्ड्स करीब 40 लाख रुपए लेकर आए थे। ये पैसे एटीएम में डाले जाने थे। इस वारदात की तस्वीर बैंक में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। इसमें साफ दिख रहा है कि गार्ड कैश बॉक्स लेकर जैसे ही बैंक के कैंपस में घुसे, पहले से ताक लगाए नकाबपोश बदमाश ने सीधे दोनों को गोली मार दी और बैग लेकर फरार हो गए। खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां सिक्योरिटी गार्ड राज बहादुर पटेल की मौत हो गई। घायलों में श्रेयांश और वैन ड्राइवर अभिलाष यादव को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एटीएम में पैसे डालने के लिए कैश वैन पहुंची थी, उसमें से कैश बॉक्स लेकर कर्मचारी जैसे ही अंदर घुसे, वहां खड़े नकाबपोश बदमाश ने दोनों को गोली मार दी और फिर बैग लेकर फरार हो गए। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। खबर मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंची और वारदात की जांच पड़ताल में जुट गई है। बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस ने शहर के चारों तरफ नाकाबंदी कर दी है। गौरतलब है कि इस वारदात में बैंक की लापरवाही भी सामने आई है, क्योंकि बैंक और एटीएम में कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। बदमाश पिस्टल के साथ बैंक परिसर में पहले से मौजूद थे और किसी भी कर्मचारी का ध्यान उन पर नहीं गया। कहीं ना कहीं बैंक की बड़ी लापरवाही को ये दर्शाता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।